स्टेज पर कॉन्फिडेंस मेरा साथ देना दे, मुझे पक्का यकीन है कि तू हमेशा मेरा साथ देगा, और जब तक तू मेरे साथ है ना, तब तक कामया भी मेरे कदम चूमेगी। बेबी, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है, टुगेदर वी विल रॉक द स्टेज बेबी। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि आप कैसे अपने लकी गिटार के साथ बातें कर रहे थे। Then it's okay. तुमने देखा, मतलब तो एक ही है ना, तुम मजाक बना रही हो। मैं क्यों मजाक बनाऊंगी, मैं भी तो अपने भगवान जी से ऐसी ही बात करती हूँ। तुम अपने भगवान के साथ परफॉर्म करती हो, अब आप मेरा मजाक बना रहे हो। शुरुआत किसने की थी? तुम जाओ यार ऐसे, मुझे मुझे प्रैक्टिस करने दो। I have to rock the concert. I'm sure you will. मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की जरूरत तुम्हें नहीं, मुझे। अब तुम जाओ यार से, स्टॉप पोजिंग एंड लेट मी कंपोज। दैट्स बेटर। विदा होके भी तेरी याद है मुझे। विदा होके भी तेरी याद है मुझ में। विदा की जगह अगर जुदा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जुदा होके भी तेरी याद है मुझ में। Oh wow, that is such a bad idea. मैंने पूछा तुमसे, तुम मुझे गाना सिखाओगी? मुझे अपना गाना बनाना आता है। ये तुम पर सूट नहीं करता, वो पहले वाला बेटर। ओके। बचाते बचाते उंगलियां सूज गई। कल तक नॉर्मल नहीं हुई तो गिटार कैसे बजाऊंगा? अरे क्या हुआ, आप प्रैक्टिस छोड़कर आ गए, गिटार भी ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, लेकिन तुमने गिटार तो सही जगह पर रख दिया ना। मैंने गिटार तो संभाल कर रख दिया, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं तो मैं अभी आती हूँ। बैठिए इधर। क्यों? बैठिए, ये लीजिए। ये क्या है? नमक वाला गर्म पानी। क्या पीऊं इसे? नहीं, इसमें अपनी उंगलियां डुबो लीजिए, दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी चली जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादू करनी है? किसे तो सब पता होता है। ज्यादा सोचिए मत, अपनी उंगलियां इसमें डालिए जल्दी। लेकिन पक्का ना इसमें उंगलियां डालने से ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि गिटार तो क्या चुटकी भी ना बजा पाओ? अगर मेरा कॉन्सर्ट फ्लॉप हुआ तो? फ्लॉप नहीं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, और आपका कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे पता है। चलिए लाइए, दीजिए उंगली, डालिए इसमें। आओ, ज्यादा गर्म है? हॉट है, लेकिन मेरे से कम। तो फिर डालिए उंगली। वैसे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहां से पता चला? टीचर बनने से पहले स्पा का कोर्स किया था क्या? जी नहीं, मैं जब नंगे पांव मंदिर जाया करती थी, मेरे भी पांव सूज जाते थे, फिर दादी मेरे पांव नमक वाले गर्म पानी में रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। कभी अपने सर को डुबा कर देखा है? सर, प्रोफेसर, कॉलेज। बेटा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? Still the same. बिस्की जरूरत नहीं। ठीक, अब सो जाइए, कल के परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश दिखना भी तो जरूरी है।